खालिद उठ जाए, 7 बजने वाले हैं, 7:30 पे जमात खड़ी हो जाएगी। तुम्हारे भी अजीब काम है फरजाना, जल्दी नहीं उठा सकती थी? काफी देर से जगाने की कोशिश कर रही हूँ जनाब, आप रात को जल्दी आते, टाइम से सोते तो जल्दी उठते ना सुबह आप। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें तो पता है यार मेरी रात की ड्यूटी है, कैसे जल्दी घर आ सकता हूँ। अच्छा अच्छा बातों में टाइम जाया ना करें, उठ जाए और जल्दी से तैयार हो जाए आप। मस्जिद है अभी दूर। ओफो, खालिद अभी तक नहीं आए, 12 बजने वाले हैं। लगता है दोस्तों में बैठ गए होंगे अपनी पुरानी आदत के मुताबिक। अरे ये क्या ईद के दिन में खाली हाथ? आप ना जब दोस्तों में बैठ जाते हैं तो भूल ही जाते हैं घर में कोई इंतजार कर रहा होगा आपका। मैं कह रही थी अपने खाने के लिए कुछ ले ही आते आप। हाँ? अच्छा छोड़े, ईद नहीं मिलेंगे आप। चले आप बैठे, मैंने आपके लिए मीठा बनाया है, मैं अभी लेके आती हूँ। ये आपके लिए मीठा तैयार है, ये लीजिए जनाब। तुम कुछ लाने के लिए कह रही थी? अरे हाँ, आपने मेरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं कह रही थी ईद का दिन है, बाजार से कुछ ले ही आते आप। अच्छा दोबारा बाजार जाऊंगा तो कुछ पकाने के लिए। अरे नहीं, पकाने के लिए नहीं कह रही थी मैं कह रही थी आज ईद है, बाजार से कुछ फल वगैरह ले ही आते आप। आज बड़ी ईद है, हमने कुर्बानी नहीं की तो क्या हुआ, अभी मोहल्ले से गोश्त आ जाएगा तो मैं बना लूंगी कुछ। अरे आगे आप, ये किसके घर से आया है? फरजाना पागल हो गई, सब्जी है बाजार से लाया हूँ। यार मेरे लिए नमकीन गोश्त बनाना। अम्मा अभी रंडिया बना के पा रही थी, भैया ने एक और फरमाइश कर दी, उसके दोस्त भी बाहर बैठे हैं, थोड़ा ज्यादा बना लेना। क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है, मैं सुबह से नोट कर रही हूँ खालिद,
आप बुझे बुझे से हैं, हुआ क्या आप बताएं तो सही। अम्मा बहुत याद आ रही है। मैंने तो आपको पहले बोला था लोग चुप क्या करते हैं, आप भी किसी की सुनते नहीं है। जानती हूँ मैं ईद की नमाज पढ़कर इतनी लेट क्यों आया? मैं दोस्तों के पास नहीं गया था, मैं तो दोस्त ढूंढता ही रह गया। नमाज के बाद मैंने सोचा कि अपने दाएं जाने वाले शख्स से ईद मिलूं, पर वो जा चुका था। फिर मैंने बाएं जाने देखा तो वो शख्स भी अपना जाए नमाज उठाकर चल पड़ा। मैं तो ईदगाह में खड़ा देखता ही रह गया, किससे ईद मिलूं? गांव में ईदगाह से निकलते निकलते एक घंटा लग जाता था। पहले भाइयों को ईद मिलना, फिर चाचाओं को, फिर दोस्तों को और उनके बच्चों को भी, बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर दुआ करना, और रास्ते में हर कोई रोक कर कहता रुक जाओ, अपने हिस्से का गोश्त ले जाओ। मैं अक्सर सोचता था फरजाना कि कौन सा हिस्सा डाल रखा है हमारे बुजुर्गों ने उनके साथ। आज समझ आ गया है कुर्बानी महज कोई रस्म तो नहीं, कोई दिखावा तो नहीं। कल जब मैं काम पर जा रहा था तो किसी के घर के बाहर दो बैल खड़े थे, किसी ने बकरे पकड़े थे, कोई गले में घुंघरुओं के गाने बांधे हुए ऊंट लिए जा रहा था। मन ही मन सोच रहा था इतना गोश्त जमा हो जाएगा, हम उसे रखेंगे कहां, हमारे पास तो फ्रिज भी नहीं। दुख इस बात का नहीं कि हमें गोश्त नहीं मिला, दुख इस बात का है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत इब्राहिमी को कायम रखा, लोग उसके मकसद को भी भूलते जा रहे हैं। ना मिले हमें गोश्त, मगर कोई आकर हमसे ईद तो मिले। कोई हमसाया आकर ये तो पूछ ले कि भाई ईद का दिन है, किसी रिश्ते की कमी तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं कहता कि नमकीन गोश्त खाने को दिल कर रहा है। मैं कोई गोश्त जमा करने के लिए तो नहीं रुका परदेश में, सिक्योरिटी गार्ड हूं। अगर मैं भी गांव चला गया तो इन लोगों की चीजें चोरी हो सकती हैं, डकैती हो सकती है। मैंने भी कुर्बानी दी है अपने फर्ज के लिए, अपनी खुशियों की, थोड़ा हक तो मेरा भी है।